टॉर्क की एप्लीकेशन ऐसे है, टॉर्क का पहला फॉर्मूला जो आज हमने किया वो आर क्रॉस एफ है, और टॉर्क का जो दूसरा फॉर्मूला है वो आई इंटू एल्फ है, आर एफ है और आई एल्फ है। तो इसको करना कैसे है, इसके अंदर इसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए मान लो आपके पास ये एक पुली है और दो मासेस हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं जो मैं स्किप कर रहा था, पुली और मासेस वाले, जिसके अंदर सिंपली ये गिवन है कि आपको इसमें एक्सीलरेशन बतानी है क्या होगी, लेकिन इस बार पुली का मास भी है। नॉर्मली लॉज ऑफ मोशन में पुली का मास नहीं होता, इसमें पुली का मास है। तो पहली क्वेश्चन तो लॉज ऑफ मोशन से बनेगी, जब पुली का मास लेना है तो यहाँ टेंशन बराबर नहीं लेनी, जब पुली मासलेस है टेंशन यहाँ पर यूनिफॉर्म होती है, तो टेंशन यहाँ पर T1, T1, T2, T2 है, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, 3g - T2 = 3a, यहाँ पर क्या बनेगी, T1 - 2g = 2a, और दो इक्वेशन में दो तीन वेरिएबल्स हैं T1, T2 और a, और तीसरी इक्वेशन जो बनेगी वो पुली की बनेगी, पुली के इस तरफ T2 है, पुली के इस तरफ T1 है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये R और R है। पुली एक डिस्क है जिसका I का फॉर्मूला ½mr² है, पुली क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रही है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका टॉर्क इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो इसका टॉर्क क्या होगा, R × T2, इसका टॉर्क क्या होगा, R × T1, नेट टॉर्क क्या होगा, R × T2 - R × T1, और ये नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स एल्फा। तो ये आपने ये नोट करना है, मतलब ये ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन है, पुली का आई हमेशा ½mr² है, और क्योंकि हमने एल्फा नहीं निकालना, हमने ए में काम करना है, तो याद रखना सर्कुलर मोशन से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए क्या होता है, आर एल्फा, एल्फा को हर क्वेश्चन में ए बाय आर पुट करना है। तो अब ये आपकी तीसरी इक्वेशन बन गई, अब आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स हैं T1, T2 और a, आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि पुली की इक्वेशन कैसे बननी है, सिर्फ ये ही नहीं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन निकालो, पुली का मास है, तो एक इक्वेशन तो लॉज ऑफ मोशन से 3g sin 30 - T1 = 3a, एक T2 - 2g sin 60 = 2a, और एक पुली की इक्वेशन T1 का टॉर्क T2 से बड़ा है, तो T1 का टॉर्क है R × T1, R × T2, तो R T1 - R T2 = I alpha, I पुली का पता है, अल्फा की जगह ए बाय आर, थर्ड इक्वेशन। अब इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा। तो जितने क्वेश्चन तुमने पुली के देखे आज, वो सारे के सारे इसी के ऊपर बेस्ड हैं, दो तो लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन है और एक पुली की इक्वेशन है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा बहुत मैं देख रहा था, रॉड वाली प्रॉब्लम बहुत आ रही है, रॉड वाली प्रॉब्लम का तो कॉन्सेप्ट ही एक है, ये आपके पास एक रॉड है, ये रॉड है, अगर ये रॉड यहाँ पर पड़ी हुई है, और लेट अस सपोज इस रॉड को आपने गेर दिया और ये नीचे यहाँ पे आके गिर गई, तो पहला क्वेश्चन है ये, और ये हिंज्ड है, पहला क्वेश्चन है इसका ओमेगा बताओ रॉड का क्या होगा, ये क्वेश्चन है। रूल नंबर वन, जब ये यहाँ पे है तो इसके पास एनर्जी पोटेंशियल है कितनी, mg × L/2, क्योंकि मास रॉड का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम टोटल मास कहाँ पर लेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, mg × L/2, और ये जब नीचे गिरेगी तो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, ½i ω², तो आप क्या करेंगे, mg × L/2 = ½i ω², तो m × g × L/2 हाफ, अब क्योंकि एक्सिस टेंजेंट है रॉड का, और टेंजेंट एक्सिस में फॉर्मूला क्या होता है, ml² / 3 ω² m से m कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3gl आ जाएगी, 3g/L आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना, ये l से l भी कट जाएगा ऐसे, तो ये आंसर आएगा। तो पहला आंसर है, दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछेगा, ये जो पॉइंट है इसने कितनी वेलोसिटी से इसको ज़मीन को हिट किया, तो v = L × ω लगा लेना, क्योंकि लेंथ इसकी l है, तो ये सर्कुलर मोशन में आ रहा है, तो v = L × ω, ओमेगा आपने निकाल रखा है पुट करके आंसर। अगला क्वेश्चन आएगा, इस पॉइंट ने कितनी वेलोसिटी से हिट किया v', तो v′ = तो सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहे, तो अब L/2 × ω आएगा, ओमेगा की जगह यहाँ L/2 आंसर v' आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, जब भी एक रॉड नीचे गिरेगी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो मैं देख रहा था ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो रॉड को पूरी तरह नीचे नहीं गिर रहा था, वो मैं देख रहा था रॉड को पूरी तरह नीचे गिरने की बजाय ऐसे गिर रहा था, ऐसे इंस्टेंट रास्ते में। तो जब ये रॉड अभी कहीं रास्ते में होगी तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा डाउन नीचे आ जाएगा, कितना नीचे आएगा वो निकाल लेते हैं। अगर ये थीटा रोटेट कर रही है तो ये लेंथ कितनी है, L/2 है, तो ये लेंथ भी कितनी है, L/2 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 cos थीटा हो जाएगी, क्योंकि इस ट्राइंगल से
एल बाई टू, एल बाई टू कॉस थीटा। तो ये हाइट कितना डाउन आएगा, ये डाउन आएगा एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा। तो यहाँ से यहाँ आने में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितनी होगी, ये डिक्रीज होगी, और यहाँ से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बना लेना, ओमेगा निकाल लेना, आंसर ऐसे होगा। तो मैं देख रहा था रॉड के अंदर, वो पूरी रॉड गिर नहीं रहा, वादी रॉड गिरेगा या कितनी भी रॉड गिरेगा थीटा एंगल पे, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी में एच कैसे निकालना है, एल माइनस एल कॉस थीटा, यहाँ से आंसर आएगा। और फिर वन माइनस कॉस थीटा टू साइंस को थीटा होता है, तो आपको आंसर साइंस को थीटा बाई टू की फॉर्म में दिखेगा। तो ऐसे में क्वेश्चन देख रहा था, ठीक है। तो ये एक टाइप की प्रॉब्लम है जो आपको इसमें मिलेगी, पहली टाइप की प्रॉब्लम है, पुली देख रहा था, दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है, इस टाइप की देख रहा हूँ जिसमें अल्फा की रिप्रेजेंटेशन है। तीसरे टाइप की प्रॉब्लम आपको दिखेगी कि जब आप एक इंक्लाइंड, जब आप एक रोलिंग की बात करते हैं, रोलिंग में बहुत क्वेश्चंस है। रोलिंग का मतलब है कि सब की ये कॉम्बिनेशन है किसका, ट्रांसलेशन मोशन का और प्योर रोटेशन का। अगर एक बॉडी प्योरली ट्रांसलेट कर रही है, बिल्कुल रोटेट नहीं कर रही, तो जो उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी, उसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। लेकिन अगर बॉडी घड़ी घड़ी घूम रही है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी। और रोलिंग में क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास चल भी रहे और बाकी पार्टिकल उसके आसपास घूम भी रहे, ऐसा प्योर रोलिंग का पहला रिजल्ट है। जब भी ये बॉडी यहाँ से यहाँ एक चक्कर पूरा काटेगी, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा 2πr होगा, ये स्टैंडर्ड है। तो एक चक्कर में डिस्टेंस 2πr है, प्योर रोलिंग का दूसरा रिजल्ट है। जब प्योर रोलिंग होगी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, जो सेंटर ऑफ मास लीनियर ट्रांसलेशन मोशन में होगा, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, आर ओमेगा होगी। प्योर रोलिंग की पहली कंडीशन है वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये दूसरा रिजल्ट है। नेक्स्ट रिजल्ट है इसमें कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। तो अगर मान लो वो टायर क्या करता है, वो एक्सेलरेट करता है, वो तेज मूव करता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर अल्फा। तो वी सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा, ए सेंटर ऑफ मास आर अल्फा। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन की प्रॉब्लम, मैंने बता दी कैसे करनी है। नेक्स्ट है अगर एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन से रोल करती हुई नीचे आ रही है, तो उसकी सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है नीचे आने की, उसका फॉर्मूला जी साइन थीटा बाय वन प्लस के स्क्वायर पे आ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत न्यूमेरिकल आए हूँ उसके ऊपर। तो सेंटर ऑफ मास जो नीचे आएगा, उसकी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अगर बॉडी रिंग है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को वन पुट कर देना। अगर मान लो ये बॉडी डिस्क है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को हाफ पुट कर देना, क्योंकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट क्या था, अगर किसी बॉडी का मोमेंट इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है, तो जो कोफिशियंट होता है हाफ, यही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। तो अगर ये स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या बनेगा, 2/5। तो यहाँ से वैल्यूज को पुट करके ए निकाल लेना, बहुत आती है प्रॉब्लम्स। तो इसके अंदर जैसे ये गिवन है, एक रिंग डिस्क और इसको स्फीयर को रोल छोड़ दिया, कौन पहले नीचे आएगा, तो ये इतनी एक्सेलरेशन नीचे आएंगे, s इज इक्वल टू 0 + 1/2 at² से टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम आ गया। अब जिसकी एक्सेलरेशन बड़ी होगी, उसका टाइम कम होगा। एक्सेलरेशन किसकी बड़ी होगी, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर छोटा होगा, छोटा होगा। तो तुम देख लेना, रिंग का के स्क्वायर बाय आर, सॉलिड स्फीयर का 2/5 होता है 0.4, डिस्क का हाफ होता है 0.5, रिंग का 1 होता है। तो सबसे कम किसका है, सॉलिड स्फीयर का। तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसकी है, सॉलिड स्फीयर की। सबसे पहले कौन आएगा, सॉलिड स्फीयर, टी का हाफ काइनेमेटिक्स है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन में रोटेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब कोई बॉडी रोल करती है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा ट्रांसलेशन मोशन में होता है। तो s इज इक्वल टू 0 + 1/2 at² आंसर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब कोई बॉडी रोल करती है, तो इट इज सम ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। तो ट्रांसलेशन मोशन में कौन होता है, सेंटर ऑफ मास, और बाकी पार्टिकल क्या करते हैं इसके आसपास, रोटेट। तो ये फॉर्मूले को अगर मॉडिफाई करें, मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब कोई बॉडी रोल करती है, तो फॉर्मूला 1/2 mv सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर 1 + k² / r². तो अगर न्यूमेरिकल में ये स्फीयर आएगा, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को 2/5 पुट कर देंगे। अगर ये मान लो डिस्क आएगा, तो हाफ पुट कर देंगे। रिंग आएगा, तो 1 पुट कर देंगे। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स गिवन है। एक बॉडी को रोल करने के लिए ऊपर से नीचे छोड़ दिया, उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ नीचे की क्या है। तो इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक सेम कर दो, वहां पर पोटेंशियल mgh है, और यहां पर सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल जीरो हो गई, रोलिंग की फॉर्म में आएगी 1/2 mv² 1 + k² / r². तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सेंटर ऑफ मास निकाल लो। तो जब भी कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन से ऊपर से नीचे आएगी, एनर्जी कंजर्व कर देना, आंसर आएगा। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बहुत देखे अभी,
पीपीटी के अंदर मैं स्किप कर रहा था, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आपके पास एक पुली है और एक मास है, आपने इस मास को यहाँ से छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, वो नीचे गिरता जा रहा है, जो वेज डिस्टेंस पे आया होगा उसकी वेलोसिटी क्या है, ये प्योरली क्वेश्चन किसका है, एनर्जी कंजर्वेशन का है। तो आपने सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यहाँ पर और यहाँ पर सेम करना है, पर एक और एनर्जी ऐड हो जाएगी और वो क्या, डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसे ग्राउंड मान लें। आप इसके अंदर एक काम करें, जब ये ब्लॉक यहाँ पे है तो इसकी काइनेटिक क्या है, जीरो। इसकी पोटेंशियल क्या है, अगर आप इसे ग्राउंड मान लें और ये एच हाइट से गिरा, पोटेंशियल क्या है, एम जी एच, और रोटेशनल एनर्जी थी नहीं क्योंकि अभी डिस्क घूम ही नहीं रही। जब ये नीचे आ गया तो काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, जीरो ग्राउंड पे, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि डिस्क भी उस टाइम क्या कर रही थी, घूम रही थी। तो ये भी इसमें ऐड होगी। तो ऐसे लगाना एनर्जी कंजर्वेशन। तो ऐसे बहुत बहुत क्वेश्चन देखे, कम से कम 4-5 क्वेश्चन देख रहा था मैं, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, तो इसको आपने लगा के देखना है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज में ओमेगा को पुट करेंगे वी बाय आर, क्योंकि हमने ना क्वेश्चन में वी निकालना है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो डिस्क की होती है वो इज इक्वल टू आर ओमेगा से ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर में रिप्लेस करके तब जाके आपके पास आंसर आएगा। तो ऐसा कुछ करना है, जैसे ये रहा, तो कह रहे हाइट एच से एक स्फेयर को रोल करवा दिया, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ। मैंने बताया ना, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से वी सेंटर ऑफ मास निकाल लेना, आंसर आएगा। फिर से सेम क्वेश्चन है, ये रॉड वाला मैंने बता दिया, ये भी बता दिया कैसे करना है।